सिलकुआरा उत्तरकाशी में टनल निर्माण में लगे हुए हमारे 41 श्रमिक भाई अभी अंदर हैं, सकुशल हैं। वैसे उनको सभी प्रकार की जो भोजन से लेकर ऑक्सीजन, पानी इत्यादि की तमाम प्रकार की जो आपूर्ति है वो लगातार हो रही है, सुरक्षित भी हैं और तेजी से उस पर काम भी चल रहा है। तेजी से काम चल रहा है। जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जितने इसके विशेषज्ञ हैं, भारत सरकार, राज्य सरकार और भी संस्थानों के टनल के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सारे लोग अपना प्रयास कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रत्येक दिन उन सबके बारे में कि किसी प्रकार की उनको कोई दिक्कत ना हो, सभी सुरक्षित बाहर निकले, टेक्नोलॉजी का ठीक प्रकार से उपयोग हो वहाँ पर, उन सब की लगातार चिंता कर रहे हैं। बल्कि अभी जब हम अंदर आ रहे थे तो सम्मेलन के उद्घाटन से पहले भी उन्होंने अभी यहीं पर जानकारी ली है, तो सभी के लिए लगातार प्रयास भी हो रहा है। और अभी अभी संधु साहब और हम बैठे थे यहाँ पर, तो इनके मोबाइल में अपडेट आ रहा था कि 53 मीटर तक सुरंग जो है उसके अंदर पाइप चला गया है। तो अब भगवान की कृपा से सब कुछ अगर बिना किसी रुकावट के चला तो संभवतः बहुत जल्दी हम लोग ब्रेक थ्रू तक पहुंच जाएंगे, उनके पास तक पहुंच जाएंगे। और जो इतने दिनों से एक पूरा सभी के सामने, पूरे राष्ट्र के समक्ष एक ऐसा संकट आया हुआ है, उस संकट से हम सबको निजात मिलेगा, हमारे श्रमिक भाई वापस आएंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी जल्दी से जल्दी सकुशल बाहर आए